बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर के होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बार रखे, इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहे। इस नेक दुआ के साथ हम आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यूट्यूब चैनल पेनिनसुला वीक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सारियाँ जड़ियाँ जुतियाँ टूटियाँ सी घर दियाँ सारियाँ गड्ढा के लैके आया मैं। गली चला चला के साइकिल छापर दें दे रहे हो ते उन्हें सारी साइकिल भी खराब कर दी। चल घर ची काम ची पौनियां, वजू करन नू पौनियां, हाथ मुंह धोन लगे उदो पौनियां। ये केड़ा किते आन जान वास्ते जेड़ा ना। चलो चंगा, हुण नवी दी नवी बन गई है। दोबारा पकौड़े शकौड़े कढ़ीए नाल खाइए, नाले कढ़ी बनाइए। अच्छा जी, सुबह से अदन भी कह रही है भूख लगी हुई है, तो ये उन्होंने आलू थोड़े से कट्ठे लेकर आए थे, एक दिन रखे हुए थे कि कभी चिप्स नहीं बनाती, पकौड़े नहीं बनाती, तो टाइम ही नहीं होता। आज मैंने सोचा कि चलें पकोड़े बना लेती हूँ। पहले तो आपको लोग, पहले तो खाने के लिए बनाती हूँ, बाद में कढ़ी के लिए बनाऊँगी। बल्कि पहले थोड़े से कढ़ी के लिए निकाल लेती हूँ, जो खाने उनमें थोड़ी सी पालक डाल लूँ। चलो ठीक है। हाँ जी, तो मैं आलू वगैरह मैं कब से लगी हुई हूँ, तो आलू वगैरह मैंने छील लिए हैं, अब काट रही हूँ, फिर बनाते हैं पकौड़े। यहाँ तो मिट्टी आ रही है मेरा ख्याल, अंदर ऊपर से भी छत से भी मिट्टी आएगी। अंदर आ जाओ। अभी अभी मैंने सारी चीज़ें धो कर रखी हैं। ये सारा सिस्टम ही किरकिरा हो जाना है, अंदर आ जाए। हमारे घर तो सारे हल्ली की मिट्टी आती है। चले, अच्छा कोई बात नहीं। आलू मैंने काट लिए हैं, अब इसमें धनिया काटती हूँ और प्याज, तो फिर इसमें मैं थोड़ी सी बाहर पालक है वो लेकर आती हूँ, वो भी डालूंगी। अच्छा भी, प्याज आलू धनिया काट दिया, अब पालक बाहर से तोड़कर लेकर आती हूँ, तो फिर हरी मिर्ची और पालक इसमें काट के फिर से सारा सामान तैयार करेंगे। जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना वो वाले तोड़ेंगे। मूलियों के भी पत्ते हैं ना, पता नहीं चलता। मूली? हाँ जी, ये वाले पत्ते मूलियों के नहीं, ये वाली मूली है। कौन सी? ये भी मूली है। ये वाली जी, हमारी आंटी ने हमें मशवरा दिया कि नसरुल्ला आप इस तरह करें कि घर में ना सब्जियां लगाएं, तो जब दिल करे उसी वक्त ना फ्रेश तोड़ के हांडी में डाल लिया जाए। तो इस वक्त जो है ना हमने ये लगाया, तो हमें तो बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी भी हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि सब्जियां घर में होनी चाहिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सब्जी हमने लगाई है। ये वाली पालक तोड़ ली है, अब इसे काट कर दूंगी। आज तो कमाल कर देती फड़ के। धनिया मैंने साफ कर किधर रखा हुआ है, ये नमक हल्दी, मतलब ये डब्बे भी पास ही रखे हुए हैं, चीज़ें मैंने सारी तैयार कर ली हैं। पालक मैंने एक दो पूर निकाल के बाद में डालनी है, क्योंकि वो खाने वाले पकौड़ों में सिर्फ डालनी, जो कड़ी में डालनी है वो पहले बना के साइड पे कर लूँगी। इस तरह मैं साबुत धनिया पकौड़ों में ज़्यादा डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता। नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है जी। सुमेरा हूँ जरा ना, तकरीबन लाल मिर्च ते उस तो बाद धनिया और नमक वगैरह सारा इस पकौड़ियाँ पाएगी। उस तो बाद जरा ना इन्हों मिक्स करके असी पकौड़े बनाने हैं, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ना फेवरेट है। तो मौसम सरमा भी आ गया, तो पकौड़े खाने का जरा ना मज़ा वो अपना ही है। तो हूँ जी असी इन पकौड़ियाँ बनाने हैं। बस ऐसे हो जाता, जब काम ज़्यादा हो तो हर तरफ भागा दौड़ी लगी हो, आप भाग के गाँव गए फिर वापस आए, तो घर में भी इतने काम। ये बेसन मैं फ्रेश ही लेती हूँ, जब भी पकोड़े वगैरह बनाती हूँ या कढ़ी बनाती हूँ,
एक बार मुझे नहीं पता था कि बेसन पहले का पड़ा हुआ कड़वा हो जाता है, हमने मैंने और हमारा दोनों ने कढ़ी बनाई तो पकोड़े भी कड़वे थे और कढ़ी भी हमारी सारी ख़राब हो गई क्योंकि कड़वी कढ़ी थी। बस मैं ना मिक्स कर ला फिर बाद बनाते हैं, पर मेहमान आ गए तुम वो देखो। चलो मैं मेहमानों सामभ लेना, तुम इस तरह करो ये मिक्स करो बनाओ तो चलो मेहमान के अगे भी रख दें। सही पालक पहले पा दी कुकर में। अच्छा मैं कड़ी ले बाद बना लेंगे। चलो ये भी ठीक ही था, मैं भूख लगी सारे। सही ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੂਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਾਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਘੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਕੌੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਾਲਕ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਤੋੜ ਕੇ। ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੀਜੀ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਪਾਲਕ ਪਾਈ ਆ, ਬੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ। ਸਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਏ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸਹੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨੋਂ ਕੋ ਦੇ ਦੀਏ तो अब मैं कढ़ी के लिए पकौड़े और बनाऊंगी, सामान भी तैयार करूंगी। तो पहले मैंने कहा कढ़ी शाम काफ़ी हो गई है, कढ़ी मतलब बॉयल होने के लिए रख दूँ। दही मैंने डेगची में डाल लिया है, बेसन तो सारी चीज़ें मैंने डाल ली है, थोड़ी थोड़ी हल्दी लाल मिर्च मसाले जिस तरह डालती हैं सारे मैंने डाल दिए हैं। मैंने कहा पकौड़े बाद में अब बनाती हूँ तो इसमें अब पानी डालते हैं। अभी मेहमानों को फिर चाय भी दी बना के और पकोड़े भी दिए, मेहमान इतने खुश हुए क्योंकि मेहमान वो थे जो वीडियो में नहीं आते वरना हम वीडियो भी बना लेते। बिस्मिल्लाह चलिए मिक्स करते हैं, पकने के लिए रखते हैं तो तब तक मैं सामान और तैयार कर लूँ पकौड़ों के लिए। बस और मैं कढ़ी के लिए बनाऊँगी, अदर ने भी खा लिया, इसके पप्पा ने भी और जो साथ मेहमान थे उन्होंने भी खा लिया, मार ने खाई नहीं। रमान ले रही, मैं चूल्हा जला दूँगी तो फटाफट इसको ऊपर कवर करूँगी। तो इधर मैंने ऑल इसी तरह रखा हुआ है, इसी में अब पकौड़े बना लूँगी क्योंकि अदन ऐसे ही है ना। हाँ जी भाई, कढ़ी सबसे ज़्यादा शौक से अदन खाती है। अदन मैं तो कभी थोड़ा सा मैंने सामान रखा इसी के बना लूँ बस, जो चार पांच पकौड़े बनते हैं यही बस बना लेते हैं, थोड़ा सा सामान पड़ा है और नहीं बनाती, अब टाइम नहीं है। इसमें थोड़ा सा बेसन और डालते हैं तो बस यही बना लेते हैं कढ़ी के लिए पकौड़े भी। थोड़ा बस इसमें थोड़ा सा ये डालते हैं ना बेसन थोड़ा, इसके तो सिर्फ दो बनेंगे। नहीं बस सात आठ पकौड़े भी बन जाए तो काफ़ी, इसके छोटे छोटे बनाए छोटे छोटे बना लेंगे। तो इसमें थोड़ी थोड़ी लाल मिर्च भी और डालते हैं और नमक भी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें और डाल के हल्दी थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डालते हैं, डाल लेते हैं बेसन डाल लेना थोड़ा सा। चलिए ये बस कढ़ी के लिए बेशक चार पकोड़े बने, पांच या दस बस यही बनाने हैं अब मैंने। ना छोटे छोटे बनाना ना। चलो छोटे छोटे बनाने से ज़्यादा बन जाएंगे जी। सही साथ में वो पकौड़े खाए जाएंगे। सही ठीक। अच्छा अभी इसे मिक्स करके रख के मैं कढ़ी के लिए तड़के के लिए लहसुन प्याज तैयार कर लूँ फटाफट, तो फिर पकौड़े निकालती या पकौड़े निकाल के रख लूँ क्योंकि
बॉल में डाल के हदन पहले पकोड़े निकालूं। जी चने पकोड़े निकाल लेते हैं। अच्छा भी अब मैं कढ़ी के लिए पकोड़े बना रही हूँ, तो इस तरफ मैंने कढ़ी बॉयल होने के लिए भी रख दी है, मतलब दही में बेसन वगैरह डाल के चीज़ें डाल के पकोड़े बनते बनते ये बॉयल हो जाएंगी तो तड़का बना के उसमें डाल दूँगी, फटाफट कढ़ी बन जाएगी। तो ये धनिया नज़र आ रहा है, इसमें साबुत धनिया मैंने थोड़ा सा डाला है, वो नज़र आ रहा है। तो दिन के पापा गए हैं मोटरसाइकिल ठीक करवाने, इनको मोटरसाइकिल ख़राब हो गया था क्योंकि गांव जाना पड़ता है, तो इस वजह से शाम हो गई तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह जाना है तो सुबह तो दुकानें बंद होंगी, अभी ठीक करवाऊँगा तो सुबह सुबह मैं गाँव जाऊँगा। मैंने कहा चले ठीक है, मैं और अदन वीडियो बनाते हैं, आप जाएँ मोटरसाइकिल ठीक करवा के लाएँ। अच्छा अभी 5 पकौड़े मैंने इसमें डाले हैं और पता नहीं 3 और बनेंगे या 4, बस यही पकौड़े आज मैं कढ़ी में डालूंगी। तो इस तरफ मेरी कढ़ी भी पकना शुरू हो गई है। अगर आप इस तरह करें बेटा, लहसुन छीलें या प्याज काटें, मेरी आज ना हेल्प करवाएं। अच्छा अभी 10-11 पकौड़े बने, ये दरमियान वाला जो बिल्कुल छोटा है, तो बस यही आज कढ़ी में डालने, एक फूल मैंने निकाल के इधर रखा हुआ है। अच्छा अभी इस साइड पर मैंने मटका भी बना लिया है फटाफट, इसमें तो मैंने बॉयल होने के लिए रखी थी, भाप के साथ नज़र भी नहीं आ रही, तो ये भी पक चुकी है, अब इसमें डालते हैं उठा के। तो पकौड़े भी मैंने बना के रखे हैं इस साइड पे, तो चलें फटाफट डालते हैं तड़के में कढ़ी। अच्छा भी आज मैंने सोचा था कि दोपहर का खाना नहीं बनाया टाइम से, के साथ दंगिया पकड़े ना मोबाइल में एक हाथ के साथ डाल रही हूँ, तो दोपहर का खाना हमने नहीं बनाया था, खाया भी नहीं था, तो फटाफट कढ़ी बना लूँ तो फिर वो खाना बनाएंगे। तो मगरब की अजानें आ रही हैं, शाम हो गई है क्योंकि मेहमान आ गए थे, उन्हें चाय पानी दिया, तो अब खाना शाम का ही हम खाएंगे, दोपहर को हमने खाया नहीं, बस इसी तरह ही हमने गुजारा किया। तो ये मज़ेदार सी कढ़ी बन जाएगी, तो मैं बर्तन काफ़ी पड़े हैं चाय वाले भी, जो पकोड़े वगैरह बनाए वो भी, वो सारे बर्तन धोऊंगी, बाद में मैं नमाज पढ़ के तो फिर खाना बनाएंगे, आज लेट तो हो ही गए हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप धनिया तोड़ के लाओगे इधर उधर से जो हमने क्यारी में लगाया हुआ है जी। आप धनिया लेकर आए, पालक वाला नहीं, पालक वाला प्लेट ले जाए, उसमें ना पत्ता पत्ता तोड़ के रख के लेकर आए, तो मैं इसमें कुटे हुए मसाले डाल दूं, तो फिर कढ़ी तकरीबन बन गई, इसमें पकौड़े डाल के इसे कवर करते हैं धनिया डाल के, तो मैं बर्तन धो लूं, तो फिर नमाज पढ़ के तो फिर बर्तन, फिर खाना बनाएंगे शाम का। ये मसाले भी कुटे हुए बस डाल देने, अब आप तो कढ़ी के साथ खाना खाएं ना, आपको बहुत शौक था ऐसे ही है ना। ये तो कुटा हुआ धनिया भी ख़त्म हो गया, ये भी अब ग्राइंड करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ये डाल लेते हैं, ये देखिए बस चले मसाले मैंने डाल दिए, अब इसमें पकौड़े भी डाल दें। अच्छा अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पकौड़े डाल दिए मैंने, तो अब इसमें धनिया अदन डालेगी, तो मैं बर्तन धोऊंगी, ऐसी है ना अदन, चूल्हा मैंने बंद कर दिया बस। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, तो वाकई जड़ा ना कोई पता नहीं किस टाइम बारिश शुरू हो जाए। अच्छा जी मौसम तो असी दिखा दिता देखने वाले भैन भरावों, हूँ बेगम साहब बना लगी रोटियां। असल असी ना काफ़ी दफ़ा सोचा कि जरा मैं ये ना छतों की लुपाई करवा ला, एक महीना हो गया साड़ी गली च उन्होंने सेवरेज का काम शुरू किया, हजे तक जरा ना ना लंघिया जाता ना कुछ, इन्ना इन्ना पानी खड़ा, गली पट दी थी। हाँ जी, ते एक माह हो गया हजे तक जरा ना कोई पुछण वाला नहीं, कोई दसण वाला नहीं, उस तरह जिथे आना जाना भी साड़ा ना मुहाल हो गया, पानी खड़ा गोडे गोडे पानी। हाँ जी, ये चक के बच्चे विचों ना गली दी लंघाने पैंदे आ, उन्हां दे इन्ना इन्ना पानी खड़ा जिदा कोई हिसाब नहीं, असी ना बहुत मुश्किल च अगे नालों भी मुश्किल च फस गए आ। अच्छा है ठीक
बारिशें जितने भी हो रही हैं बहुत ज्यादा हो बहुत रही हैं। ज्यादा बार वो पता ही नहीं है गड़ा कितने या जड़ा ना हो बच्चा तुर के आवे उन्हें पता ही नहीं लगना हैगा। जिस तरह उस दिन वक्त ना बच्चे नगाए ना गली दे विचों हाँ जी वो तुसी घर नहीं सी आते मैं दरवाजे च खड़ी परेशान सी कि मैं अदन नगा भी नहीं सकती थी। किस तरह अदन का दोपहर का खाना बनाना था हमने तो क्योंकि सुबह का हमने खाना खाया था दोपहर को भूख लगी हुई थी मैं खाना खा के फिर मैं चाय पानी दिया सारा काम करने के बाद आप बहुत मजेदार कड़ी बन गई है। हुण मैं बैठ के मैं ते उमर खाना खाने हैं ते उमर नू भी बहुत पसंद आ अदन नू भी बहुत पसंद आ मैनू भी बहुत पसंद आ सुमैरा नू भी कड़ी बहुत पसंद आ ते हुण जी चलो बैठ बच्चों आओ बेटा बैठ के खाइए।